नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी पर, जहां पर मिलती हैं आपको NGOs के बारे में सारी जानकारी। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो ग्रांट आई हुई है NGOs के लिए 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2020 कैंपेन। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज आपको जानकारी देंगे। इस स्कीम का जो मेन एम है वो ये है कि आप जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, 20 मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। अवेयर करने का मतलब है उनको इनकरेज करेंगे कि वो 20 प्लांट्स अपने घर में लगाएं। जैसे 20 प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे तुलसी, एलोवेरा, नीम, जिंजर एक्सेट्रा, इस तरीके के प्लांट्स उन्होंने प्रेफर किए हुए हैं, उनके गाइडलाइंस में रिटन है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस स्कीम का क्या फ़ायदा होने वाला है, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि 20 प्लांट्स का जो ये कैंपेन आया है, पर हाउस होल्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर 2500 रुपये मिलेगा। 2500 रुपये पर हाउस होल्ड गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगी। सेकेंड थिंग ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी NGO के लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स, लास्ट 3 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स, आपकी NGO का बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी NGO की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ऑथराइज सिग्नेचरी की आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस गवर्नमेंट ग्रांट को अप्लाई करने के लिए। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक स्कीम है, तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गवर्नमेंट स्कीम है, हम लोग इसका प्रोजेक्ट प्रपोजल बना करके अप्लाई करवाएं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपना प्रोजेक्ट फाइल करना है, या डायरेक्टली आप सारी कंसल्टेंसी हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू आप ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की यह स्कीम नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के द्वारा सारी NGOs के लिए निकाली गई है, ताकि वह लोग जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको प्रमोट करें और लोगों को प्रोत्साहित करें अपने घर में यह हर्बल गार्डन को लगाएं। और मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा, इसमें एलिजिबिलिटी यही है कि चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपका ट्रस्ट हो, चाहे आप एक सेक्शन 8 कंपनी है, ऑल ओवर आप एक NGO के अंडर में फॉल करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज़ यह है कि 12A/80G इसमें मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि 12A/80G का रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी नहीं हो। अगर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी कंसल्टेंसी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल डिपार्टमेंट में सबमिशन करवाने में, और आगे आपको गाइड करेंगे कि इसमें आपको क्या करना होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।